नाज़रीन, आज काफी दिनों बाद हमारे साथ मौजूद हैं परेशान हाल सनतकार बिजनेसमैन मोहतरम जनाब के एम छाबड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा परेशानी किस बात की है, अब तो बेहोशी है, बेहोशी। परेशानी वाली स्टेज गुजर चुकी है, अब तो चटियल मैदान है जुनैद साहब। वो है टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। हाँ जो गई है यार, वो टैक्सों ने कारोबार पकड़ के पूरा शीशा कर दिया। बहुत परेशानी है, फैक्ट्री सारा दिन बैठ के लूडो स्टार खेलता रहता हूँ। तो क्या है, आज आप वो शादी करोला नहीं कह रहे, करिए मेरी शादी करोला बिक गई। शादी करोला भी बिक गई जुनैद साहब। ऊपर से जुल्म ये है कि पुरानी गड्डी बेचने में भी टैक्स लग गया है 17%। वो यार खुद आके पास देगा, अब आपकी बिल्कुल गिच्ची घुट दी है। थोड़ा जा होर घुट देना, बड़ी सोहनी जलेबी बननी। ओ पुत्र तेनू की पता हो, जलेबी ते बैंड वाले आ। ओ पुत्र तेनू की पता हो, बिजनेसमैन के साथ क्या हो रहा है। ओए, ओए, ओए। ये सुन लो, अगर तुम्हें समझ नहीं आई होगी, मैं कह क्या रहा हूँ। कह रहा मैं ये चाहता हूँ, पुरानी गड्डी भी लाख रुपए की है, बेचेंगे ना तुम्हारे यहाँ में जी जी, तो 1,17,000 हो गई जगह रही है। आगे से तुम उधर बेचोगे तो वही गाड़ी जो है वो 1,34,000 की हो जाएगी। 17% टैक्स फिर देना पड़ेगा। वो वादा 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 इतो लाख की गड्डी टुरी है, तो जुनैद साहब के पहुंचे तक 2.5 लाख की हो जाए, तो हो गया ना अर्श है शीशा। सारे टैक्स क्यों डाल रहे साहब, नहीं जो बच्चे को पता, तो मिसाल तो देनी पड़ती है। गई शादी ट्योटा साहब, आपको क्या बताए, रब जाते आप तो जी जाते हैं कि जंगलों की तरफ मुंह कर जाए जी। वो आप जाके तो खरीदो फरोख्त करने निकले, घर की ग्रोसरी लेने के लिए निकले, आपको समझ आ जाती है इतनी महंगी हो गई हर चीज, और इनकम टकेगी नहीं है, खत्म इनकम, खत्म खत्म। पहले 6 महीने कोरोना कारोबार के गिट्टों के साथ चमक गया है। अब आगे इत्तेजाजी जलसे शुरू हो रहे हैं, हल नहीं करता शीशा। देखो जरा जुनैद साहब, वो बजाय अफसोस दे आगो चेजा ले दे। नहीं जी, ताड़ा ही मतलब कि शीशा, तुसी कह रहे हो ना शीशा हो गया, पर काम सारा ही मुक गया जी। हां जी, डाउन हो गया जी। लेकिन जनाब कहंदे ने हालात सही होंगे, मिशन सही होगी। ओ यार, या ते मैं अड्डा गुस्सा, दादा जी ते अब्बा जी दी उंगल फड़ के टूटता सा। ओदो सुनते सा हालात ठीक हो जाते, दादा जी चले गए हालात ठीक नहीं होए, अब्बा जी चले गए हालात ठीक नहीं होए, आप चले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो मैं टूर जाना कर लो ना, हाँ दो गई वाला, आप चले गए तो इस मुल्क में रोजगार कौन देगा। चेहरे से पड़े हो तो समझे यार, शह शीशा काम भी सारा बिगड़ गया है जुनैद साहब। सही कह रहे, ना मजदूर खुशहाल थे जी जी, ना मालक खुशहाल थे, ना फैक्ट्री वाले ने कुछ पसंद लिया, ना दुकानदार कुछ कर खड़ ले। वो पता नहीं क्या हुआ है, कुछ शायद साया हो गया है। बिजनेसमैन हो गए ऊपर, तो बेचारों के ऊपर पता नहीं कोई जेल से चपड़ गया है। और सर जी, हुकूमत की ना अहली एक तरफ, आप भी तो टैक्स नहीं देते ना। ओए दगड़ बटे, ओ पुत्र, ओ छापड़ी, ओ नहीं चले यू। एक बात आपको बता दूं, सारी जिंदगी रब के फजल से पहले टैक्स निकालना है। ये कल ही आपके कामरान खान साहब ने बताया जी जी, 5 सालों के अंदर अंदर को 1,250 अरब का टैक्स चोरी होया जी। कितने फड़े आने 5 साल से, दसो तो सही। वो कोई एक बंदे का नाते ना, वो जो टैक्स देते हैं भी, जो भी रगड़ी जान दे और रगड़ी जान दे और रगड़ी जान दे। वो जो नहीं टैक्स देते उनको करेंगे गिरफ्तार। हम कब कहते हैं कि चोर को छोड़े, चोर फड़िया नहीं जा रहा, और जिन्हें टैक्स दे रहे हैं उन्होंने कारोबार शीशा। अच्छा चाबड़ी साहब, वो शादी करोला तो बिक गई आपकी, तो आजकल आने जाने के लिए क्या रखा हुआ है? एफएक्स एडी पुरानी जी, एडी पुरानी जी, वो आप बेचारी चलना भूल गई। उड़ते उस एफएक्स का ये हाल है, वो तो सलम आ रही है, देखो कहती है हाँ जी। एक दिन ओदा बोलन चुकी, जिड़ वेखे जेलू दाड़ी निकल आई, रब जाते डिगी चका हो गए।
सिर्फ टैक्सों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और जी हर तरफ से घेरा गया है कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन को तो कई बलाओं ने जकड़ लिया है। अब ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो गया, देखो लग रहा जो दो रुपए चीज बना के बेची जा रहे हैं, कहा जाए ब्रांडेड लोग जो बेचारे अपना ब्रांड निकालते थे, वो अपनी प्रोडक्ट निकालते थे फैक्ट्री में से, वो कैसे निकले बाहर? इंडी को दो नंबर चीज है, असली चीज डरती बाहर नहीं निकलती भाई। बात सुने शाफी साहब, देखे नई दुनिया है, उसके नए तकाजे है, नया कारोबार है, आप भी ऑनलाइन कारोबार शुरू करें। लो शाफी साहब कैमरे इधर है जी। ओ पुत्र मेनू कैमरे के मथे ना लुआओ, ओ मेनू वजीर आजम के मथे लुआओ, मैं पैर मार लगा दे खुदा ना वास्ता, जो कुछ ख्याल करो यार। ओ बात ये है जुनैद साहब, वो ऑनलाइन बिजनेस और चीज है। अब झापड़ी बेचारा सारी जिंदगी जो जितना तजर्बा हासिल किया है, वो तजर्बा लेके सारा ते कंप्यूटर दे अगे बैठ जावे, कितना बुरा लगेगा। एक तजर्बा कार बिजनेसमैन आदमी जिसकी जुबान चलती थी, आप उसकी कंप्यूटर में उंगलियां चलेगी यार। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो छाबड़ी साहब। तुसी कोरोना दे दौरान सैनिटाइजर ते मास्क भी कारोबार शुरू किया सी। शीशा ਇਧਰੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਮਾਸਕ ਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦੀਆਂ ਤਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਚਟਿਆਈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਟਿਆਈ। तुम्हें क्या बताए, ये हमारा जुल्फी उसी मास्क को मच्छरदानी बना के ना आराम से उसके अंदर सोता है। राहु जी दी कड़ी गाले ते मास्क दा पैराशूट भी बना लेता जी। इतना दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो ड्रामे में मजदूर लीडर था, उसने तकरीर करनी थी और वो तकरीर कर रहा था, वो तकरीर टिल्ली कर रहा था। अच्छा। तो भुट्टो साहब ने स्टेज पे छलांग लगा दी और माइक छीन के उन्होंने तकरीर शुरू कर दी। अच्छा जी, आज एक बड़ा मजेदार टॉपिक आपको सुनाने लगा हूँ। वैसे तो अब तमाम सियासतदान ही एक्टर लगते हैं, हाँ जी, मगर सचमुच जो एक्टर सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं, मैं जरा उनको याद करना चाहता हूँ। अच्छा। इस हवाले से मदली साहब सबसे पहले पाई हुए हैं। अच्छा। मोहम्मद अली साहब जिनका सियासी कद काठ बहुत तगड़ा था, मरहूम हीरो भी नंबर वन अपने दौर में रहे हुए हैं, बहुत बड़े आदमी रहे हुए हैं, आज तक लोग उनसे प्यार करते हैं, मगर सियासी हवाले से भी उनका बड़ा अच्छा मुकाम था। जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम के वो बड़े अच्छे साथी थे, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी, बड़ी प्यारी दोस्ती रही है। फिर किसी वजह से कोई इख्तलाफ हो गया, कोई गड़बड़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो किस्सा सा एक बना हुआ है कि जिहाद में लड़ाई हुई थी, पता नहीं उसमें कितनी को रियलिटी है। फिर वो जियाउल हक के साथ उनका काफी ताल्लुक रहा।